नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत की इस्तदा कर दी। कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेज में हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया गया। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो उन्हें कोई एतराज नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कल को आप कहेंगे फैसला ही कालेदम करार दे दें। अदालत ने दरख्वास्त पर दलाइल के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया। केस की समात कल तक मुलतवी। तोशा खाना केस में दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत ने भी नैब हुकाम को कल तलब कर लिया। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है देर आए मगर दुरुस्त आए। आम इंतखाबात को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होंगे, पार्लियामेंट और सियासत को जगह देना पड़ेगी। सिलेक्शन की सियासत ने मुल्क को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमें नफरत और तकसीम की सियासत को तुर्क करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सानहा कारसाज के हवाले से जलसे से खिताब। कहा, गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के दौर ने हमें सिखाया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान को नई क़यादत और सोच की ज़रूरत है। ना तेरा ना मेरा, हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाना होगा। चेयरमैन पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट समेत हर किसी से बातचीत के लिए तैयार। सदर आरिफ अलवी को सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सबसे मिलकर चलने पर आमादगी जाहिर कर दी। सदर को अस्करी क़यादत से मुलाकात करने और अपना पैगाम पहुँचाने की भी हिदायत। 9 मई के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी के लिए भी तैयार हैं। नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया। 12 अक्टूबर ना होता तो आज मुल्क तरक्की याफ्ता होता। 21 अक्टूबर को मुल्क को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्ला का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुखालफीन इबहाम में डालते हैं कि ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे पहले मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला है। कायद मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 281 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ, 280 रुपए 29 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। कारोबार के अख्तितम पर मार्केट 99 पॉइंट कमी से 49,431 पर बंद हुई। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफी ड्रेन केस में रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की सजा कालेदम करार दे दी। लीगी रहनुमा की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। इंसदादे मुनशियात अदालत ने 2018 में हनीफ अब्बासी को ताहयात नाहली और उमर कैद की सजा सुनाई थी। पार्टी सदर नून लीग शहबाज शरीफ की हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, हनीफ अब्बासी मनघरत और बेबुनियाद मुकदमे से बरी हो गए, आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत कर दी। अलीमा खान ने कहा, हमारा भाई कुछ और नहीं मांगता, बस एक साइकिल मांगी है, जितनी जल्दी हो सके साइकिल दे दें। जज ने जवाब दिया, साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो, स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। मैंने जेल में जाकर दीवार तोड़वा दी, कौन जज ऐसा करता है। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस, खदीजा शाह समेत 6 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज, दोनों जमानतें बहाल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरख्वास्त जमानतें मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने फरीकैन को 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। मैट्रिक नतायज में रद्दोबदल की तहकीकात, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बोर्ड इंतजामिया ने मार्कशीट्स की प्रिंटिंग रोक दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक मार्कशीट्स प्रिंट नहीं होंगी। 2 कमेटियां मामले की तहकीकात में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में तहकीकात की जा रही है।
बोर्ड इंतजामिया की अपनी कायम करदा कमेटी भी तहकीकात कर रही है। बोर्ड की तरफ से मार्कशीट जारी न होने पर वालिदैन परेशान। नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस साबिक डीजी एसबीसीए मंजूर कादिर काका और दीगर के खिलाफ 7 नवंबर को फर्द जुर्माइद की जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुलजमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत उज़्मा के हुक्म पर नस्ला टावर भी मिसमार किया गया था।